इस रहस्यमय दुनिया में कई चमत्कार हुए हैं और होते रहते हैं। हमारी धरती पर कई अजीबोगरीब और सुंदर संरचनाएं कुदरत द्वारा बनाई गई है। इस धरती का थोड़ा सा हिस्सा जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसमें तो चमत्कार होते हैं, पर बाकी बचे भाग में भी कई चमत्कार होते हैं। आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं जो समंदर से जुड़ी है और काफ़ी रहस्यमय है। इंसान ने धरती पर तो बहुत कुछ बनाकर खड़ा कर दिया है, पर आज की डिजिटल लाइफ में इंसान समंदर के अंदर भी बहुत कुछ बना चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के इंसान पानी में कितने समय रह सकता है, और अगर रह गया तो कितनी देर जी सकता है? सोचिए कि प्राचीन समय के लोग समंदर से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने पानी के अंदर कैसे इतनी बड़ी संरचनाएं बना ली जबकि इंसान ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं ऐसी एक प्राचीन जगह की जो समंदर के अंदर है, और वो किसने बनाई है और क्यों बनाई है वो आज तक कोई जान नहीं सका है। जापान का योनागुनी तट। जापान में योनागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली है जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती है। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी है, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्यमय बातों के बारे में। योनागुनी द्वीप के तट के बाहर जापान के रियोकू द्वीप का सबसे दक्षिणी भाग दुनिया के सबसे रहस्यमय पानी के नीचे स्थित संरचनाओं में से एक है, योनागुनी स्मारक। यह 1980 के दशक में स्थानीय गोताखोर द्वारा खोजा गया था, जो 90 डिग्री कोणों सीधे दीवारों, कदम, स्तंभों और चट्टानों में एक मानवीय चेहरे के रूप में प्रकट होने वाले विशाल आयतकार संरचनाओं से तंग रह गए थे। जल्द ही मासाकी किमुरा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पानी के नीचे की संरचना का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि उसे मानव निर्मित होना चाहिए था। एकमात्र तार्किक व्याख्या यह है कि संरचना उस समय बनाई गई थी जब साइट समुद्र के स्तर से ऊपर थी, जो 10,000 साल बीसी थी, और नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार लगभग 3,000 से 2,000 साल पहले जब भूकंप से डूब गया था। बहरहाल सभी को यह आश्वस्त नहीं है कि योनागुनी स्मारक मानव हाथों द्वारा बनाया गया था। समंदर में बनाए गए प्राचीन शहर की अगली पेशकश, क्यूबा अंडरवाटर सिटी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ऐसे वीडियो के लिए बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें।